गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नोटिस क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट अपना। यू आर रितेश या रेखा, तो अपना नाम या तो रितेश लिखना है आपको या फिर रेखा लिखना है। और आपका डेजिग्नेशन है, पद है सेक्रेटरी, SERETARY, सेक्रेटरी, RETARY, सेक्रेटरी। और BL रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ऑफ BL रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी आनंदपुर दिल्ली, फुल स्टॉप। तो आप रितेश या रेखा या सेक्रेटरी है BL रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी आनंदपुर दिल्ली के, राइट ए नोटिस लिखिए इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक नहीं। रिक्वेस्टिंग द मेंबर्स सदस्यों से रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्टिंग द मेंबर्स सदस्यों से रिक्वेस्ट करते हुए टू अटेंड ए मीटिंग, एक मीटिंग को अटेंड करने की ऑफ द सोसाइटी की टू अटेंड ए मीटिंग को अटेंड करने के लिए ऑफ द सोसाइटी की टू डिस्कस द प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए ऑफ सोसाइटी की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मीटिंग करनी है। इन योर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी में। ऑफ सिक्योरिटी इन योर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी में तुम्हें एक सुरक्षा के लिए मीटिंग करनी है। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। हम नीचे आंसर लिखेंगे इसका। मेन जो हमारा टॉपिक है, टू डिस्कस द प्रॉब्लम को डिस्कस करना ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की, तो हमारा नोटिस इसी के ऊपर लिखा जाएगा जिसमें हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। आंसर लिखिए। आंसर लिखते हुए पहले आप बॉक्स बना लेंगे, स्केल रखिएगा और स्केल से आप एक बॉक्स बना लीजिए। नोटिस को एक बॉक्स में लिखना होता है, चारों तरफ से आपने बंद करना होता है इसको, चारों तरफ लाइन खींच लीजिए। जब ये बॉक्स आपका बन जाता है तो सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन देखिए एक बार फिर आप। यू आर रितेश या रेखा, सेक्रेटरी ऑफ BL रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी आनंदपुर दिल्ली, राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग द मेंबर्स टू अटेंड ए मीटिंग ऑफ द सोसाइटी टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी इन योर कॉलोनी। क्वेश्चन को पढ़ करके इसमें देखिएगा कि उस इंस्टीट्यूशन का नाम, उस सोसाइटी का क्या नाम है। सबसे ऊपर सोसाइटी का नाम लिख देंगे आप क्वेश्चन में से, गिवन है BL रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी आनंदपुर दिल्ली, BL रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी आनंदपुर दिल्ली। और बीच में आप लिखेंगे नोटिस को अंडरलाइन कर देना, लेफ्ट साइड में आप डेट डाल दीजिए 6th अक्टूबर 2021,
ईयर को क्रॉस कर दिया हमने। अब सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट क्या है, आप नोटिस लिख रहे हैं मीटिंग के लिए, तो मीटिंग ऑफ RWS, RWS क्या है, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, ये शॉर्ट में कर दिया, मीटिंग ऑफ RWS। और अब लेफ्ट साइड से आप लिखना शुरू कर देंगे, एक तरफ से ऑल द मेंबर्स ऑफ द रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, ऑल द मेंबर्स ऑफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ द रेजिडेंट्स वेलफेयर, द रेजिडेंट्स वेलफेयर, वेलफेयर सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड, ऑल द मेंबर्स ऑफ द रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड, सोसाइटी के, वेलफेयर सोसाइटी के सभी मेंबर्स को से रिक्वेस्ट की जाती है टू अटेंड ए मीटिंग, एक मीटिंग को अटेंड करने की, टू अटेंड ए मीटिंग, एक मीटिंग को अटेंड करने की ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की ऑन 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को, ऑन 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को एट 11 AM, 11 बजे, एट 11 AM एट द कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल में जो सामुदायिक हॉल है उसके अंदर, एट कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल में टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, मीटिंग क्यों कर रहे हैं, डिस्कस करने के लिए द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की समस्या को डिस्कस करने के लिए, टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, तो मीटिंग क्यों की जाएगी, टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी इन आवर कॉलोनी एंड सजेस्ट मेजर, और सलाह दीजिएगा, सजेस्ट कीजिए मेजर जो भी कदम उठाने चाहिए फॉर इम्प्रूविंग इट, इसको सुधारने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग इट, इसको सुधारने के लिए। और फिर लेफ्ट साइड में नीचे जहाँ एंड हो गया अपना नाम लिख देंगे, नाम दिए थे रितेश और रेखा, एक नाम लिख दिया हमने रेखा, फीमेल है तो रेखा, मेल है तो रितेश लिख देंगे। और उसके नीचे ब्रैकेट में जो भी आपका पद है, डेजिग्नेशन है, आप सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं सोसाइटी के इसलिए आप लिख रहे हैं, तो सेक्रेटरी लिख दिया, ये बॉक्स कंप्लीट कर दीजिए, लाइन खींच के नीचे तक मिला दीजिए, अब लाइनों को हमको पता चल गया कहाँ तक आना था नोटिस, नीचे से हमने इसको अभी बंद नहीं किया था। तो नोटिस कंप्लीट करने के बाद इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो फॉर्मेट आपने क्या देखा बच्चों, सबसे ऊपर आपने सोसाइटी का नाम डाला, फिर नोटिस लिखा, डेट डाली, सब्जेक्ट डाला, और ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में लिखी होती है। और सबसे नीचे आपने लिखा क्या, नाम लिखा और पद का नाम लिखा,